नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी जैन। देश में लगातार बढ़ते लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जिहादियों को कड़ा संदेश जारी कर ये साफ कर दिया है कि अब राज्य में लव जिहादियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। इन दिनों शिवराज भी योगी की राह पर ही चल पड़े हैं। शिवराज ने सबसे पहले योगी की तरह सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया और उसके बाद योगी की तरह वो भी राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आए। आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जिहादियों को कड़ा संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में लव जिहाद करने वालों की राम नाम सत्य की यात्रा निकाली जाएगी। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। अब योगी के इस धमकी के बाद शिवराज ने भी लव जिहाद करने वालों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उमरिया में जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद के मुद्दे पर आक्रोश दिखाया है। उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद किसी भी कीमत पर वो नहीं चलने देंगे। चलिए हम आपको सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। पूरा हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में गरीब और जनजातीय भाई बहनों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। यह हमारा संकल्प है। लेकिन कुछ ऐसे कारण निकले कि कैसे भी प्रयास करके बेटी के साथ शादी कर ली जाए, और ऐसे उदाहरण भी मेरे सामने आए कि शादी कर लो, नाम भी मत बदलो, पंचायत चुनाव लड़वा दो और फिर पंचायत के संसाधनों पे कब्जा कर लो। मैं कहना चाहता हूँ मेरे बहनों भाई, ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा किसी भी कीमत का। निश्चय उसके लिए कानून बना रहे, ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र, ये देश को बांटने का षड्यंत्र, ये किसी भी कीमत का हम कामयाब नहीं होने। तो सुना आप सबने कि कैसे शिवराज सिंह चौहान ने जिहादियों को कड़ा संदेश जारी कर दिया है। जिस तरह से देश में ये मुद्दा बढ़ रहा है, ऐसे में इन दिनों नेताओं ने अपने अपने बयान में साफ तौर पर उन लोगों को धमकी दे दी है जो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। बीजेपी शासित सभी राज्यों में लव जिहाद को लेकर संज्ञान लाने की तैयारी की जा रही है, पर कुछ अराजक तत्व ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने इसे बीजेपी का जुमला बताया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि मेरा मानना है कि लव जिहाद आज सामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया है। अब कई राज्य इसके लिए कानून बनाने की मुहिम में लग गए हैं। बिहार को भी इसको सांप्रदायिकता का नाम ना देकर सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बनाने जा रहे कानून में 5 साल की सजा का प्रावधान किया है। खैर, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ पूरे देश में कानून लाया जाए, क्योंकि इससे देश की हर लड़की कहीं ना कहीं गुजरती है, जिसे अब पूरी तरह से खत्म करने का वक्त आ गया है। बहरहाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।